theatrical life. आज तक मुझे नहीं लगता जयपुर में किसी स्कूल कॉलेज में अभी तक इस तरह का ऑडिशन हुआ है और जिस तरह का ऑडिशन आज शुरू होने जा रहा है ये एक पहल है और डेफिनेटली यू स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है. लेट मी फर्स्ट हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द राजस्थान फिल्म फेस्टिवल RFF ग्रुप. कैन यू हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. थैंक यू. मैं बताना चाहूंगी कि आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं. It is all the credit that goes to Rajasthan Film Festival, RFF and his whole team. Rajasthan Film Festival एक ऐसा मंच, एक ऐसा platform जो हर साल राजस्थानी film, फिल्मों से जुड़े राजस्थानी culture, संस्कृति, परंपराओं को न सिर्फ राजस्थान में बल्कि विश्व के कोने कोने में विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने में अपने कदम रखती है और इसी प्लेटफॉर्म को और इसी अपॉर्चुनिटी को आप तक आज RFF लाई है इस आज के इस ऑडिशन के माध्यम से. मैं बताना चाहूंगी राजस्थान फिल्म फेस्टिवल पिछले कई सालों से राजस्थानी फिल्मों के प्रमोशन से जुड़ा हुआ है. आप लोगों ने राजस्थान फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के बारे में भी सुना होगा. राजस्थान में जयपुर में पिछले कई सालों से राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड्स दिए जाते हैं. बॉलीवुड और राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री के कई नामी गिरामी हस्ती हर साल जयपुर आते हैं. सुभाष भाई से लेके जावेद अख्तर और मैं किन किन का नाम लूं, कई बड़े बड़े सितारे राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड्स शो में शामिल होते हैं. इस साल राजस्थान फिल्म फेस्टिवल ने जयपुर के स्कूल्स और कॉलेजेस के, खासकर कॉलेजेस के उन काबिल स्टूडेंट्स को ये मौका देने की बात सोची कि आप लोगों में अगर राजस्थानी कल्चर, राजस्थानी संस्कृति को प्रमोट करने का या उसको आगे बढ़ाने का आप में अगर कोई काबिलियत है तो क्यों ना आपको ये मौका मिले. आज हम यहाँ RFF द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए एक ऑडिशन के लिए इकट्ठे हुए हैं. मैं गुजारिश करूंगी इस बीच वाले ग्रुप से, आप अगर थोड़ी देर शांत बैठ के हमारी बात सुन लेंगे तो डेफिनेटली इस पूरे ऑडिशन में आप लोगों को बहुत मजा आएगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. देखिए आज हम एक बहुत ही खास मोमेंट, एक बहुत ही खास इवेंट में आज हम इकट्ठे हुए हैं. आज आपको एक बेसिक ऑडिशन के लिए यहाँ इनवाइट किया गया है, यहाँ पे बुलाया गया है हमारे साथ. Thank you, Mr. Kabir, and with Mr. Kabir we have Mayur, Arpita, Sanchay, and Mr. Shubham. Can we have a big round of applause for this whole team? Thank you so much, sir. आप लोग Compucom Institute of Technology and Management के कैंपस में आए, आपने ये सोचा कि हमारे स्टूडेंट्स को मौका मिले RFF राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के प्लेटफॉर्म में खुद को प्रेजेंट करने का, खुद के टैलेंट को शोकेस करने का. तो ये मौका आप लोगों ने हमें दिया. थैंक यू सो मच. एंड CITM अपने स्टूडेंट्स की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता है कि डेफिनेटली आज का जो इवेंट होगा वो सक्सेसफुल होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा. आज का इवेंट सक्सेसफुल होगा या नहीं हमें सुनाई नहीं दिया. आज का इवेंट सक्सेसफुल होगा या नहीं. थैंक यू फ्रॉम CITA एंड द स्टेज इज ऑल योर्स. थैंक यू वेरी मच. गुड मॉर्निंग गाइस. मॉर्निंग. अभी मत बोलना कि नून हो गई है क्योंकि हमारी तो शुरुआत ही अभी हो रही है, जब जागो तभी सवेरा. सो Compucom इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट CITM में तीसरा चांस है मेरा आने का ऑन द बिहाफ राजस्थान फिल्म फेस्टिवल. पिछले साल कौन कौन थे यहाँ पे इस ऑडिटोरियम में? सभी लोग थे. इस बार राजस्थान फिल्म फेस्टिवल ने 14th ऑफ सेप्टेम्बर 2017
कोर डांस कंपटीशन रखा है इंटर कॉलेज एंड इंटर स्कूल, और उसमें अभी बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में हम लोग जाकर आए हैं, बहुत सारे लोगों के ऑडिशंस लिए हैं एंड बहुत सारे टैलेंटेड लोग उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सो आपको जाना भी कहीं नहीं है, तैयार श्यार होंगे घर ही बैठ जाना, आपके पास ही हम लोग आ जाएंगे 14th September को, और इसी जगह पर वो कॉम्पिटिशन होने वाला है। सो आई होप कि आप सभी लोग एंजॉय करेंगे। हमारा अच्छा मुझे राजस्थान से कितने लोग हैं यहाँ पे? बात तो ढंग से सीधे कर लो यार। ओके और राजस्थान से बाहर के कितने लोग हैं यहाँ पे? पिछली बार जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो हमें कुछ जेएनके से भी मिले थे, कुछ बिहार के भी थे, कुछ यूपी के भी थे, कुछ हरियाणा से भी थे। अच्छा बताओ कितने लोग हैं जेएनके से, जम्मू एंड कश्मीर से हैं यहाँ पे कोई? एक जना था वो भी चला गया शायद। कितने लोग बिहार से हैं? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। ओके कितने लोग हरियाणा से हैं यहाँ पर? कोई नहीं। यूपी? ओके उत्तरांचल? अकेले उत्तरांचल से। इतनी खूबसूरत जगह को छोड़ के राजस्थान की तपती गर्मी में पढ़ने के लिए आप जयपुर में आए हैं, थैंक यू सो मच राजस्थान को इतना मान सम्मान देने के लिए यार। मतलब उत्तरांचल, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, वहां से लोग यहां आते हैं पढ़ने के लिए, तो ये हमारे लिए सम्मान की बात है, लेकिन हम तो अगर वहां के रहने वाले होते तो भैया नहीं आते इधर, बहुत गर्मी है। बस कुछ दिनों की बारिश थी, अब तो बाहर तपती धूप पड़ रही है। चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन। बीकाजी प्रेजेंस ओसवा सूप ग्रुप राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 5th edition इन एसोसिएशन विद ईटीवी राजस्थान तेलंगाना टूरिज्म पुदुचेरी टूरिज्म डिजिटल पार्टनर एस मेकर्स इवेंट ऑन एंड मैनेज बाय के सीरीज। और जैसा कि मून मैम इन्होंने नाम बताया मुझे मुनमुन मैम, मुझे लेकिन चांद चांद याद आ गया क्योंकि खूबसूरती तलफ्फुज में, खूबसूरती आवाज में, खूबसूरती चेहरे में, और ये जो जितने भी अल्फाज मैंने इनके लिए कहे हैं ये बहुत हद तक हमें एडमिट भी करते हैं हमारे सिस्टर्स के लिए, मामा के लिए, भाभी के लिए, चाची के लिए, क्योंकि इनके बिना हम भी अधूरे हैं। सो प्लीज एक बार आप सभी लोगों के लिए जोरदार तालियों की आवाजें हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के बिहार पर हम लोग यहाँ पर विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस काम को अंजाम देते हैं, क्योंकि 14th September में कितने दिन बचे हैं बाकी भी? ज्यादा नहीं है, महीना भी नहीं है, बहुत कम महीना। आप में से कितने लोग हैं जो इस ऑडिशन राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं एंड जो 14th September को डांस कॉम्पिटिशन होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं? यार हाथ तो आगे से, जिनके बहुत सारे लोग हैं जिनका मन कर रहा होगा कि हम लोग भी जाएं हिस्सा लेने के लिए। यस वन टू थ्री फोर और कोई भी नहीं, फाइव बैक स्टेज है, पहले से पीछे खदेड़ दिया उनको। चलिए जी जोरदार थालियों के साथ आज के इस ऑडिशन राउंड को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर कौन आने वाला है, और पिछला जो हम लोग थे तो उस टाइम पे जितना किया था शायद उस टाइम पे उस वक्त सारे के सारे लोग दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर इस बेल्ट साइड से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जम के एंजॉय किया था। आप में से कितने लोग हैं अभी? दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा इस बेल्ट से ज्यादा है। अच्छा कितने लोग मारवाड़ साइड से हो? पाली, नागौर, जोधपुर। अच्छा कितने लोग शेखावाटी से हो? चूरू, सीकर, झुंझुनू। अलग ही जमावड़ो जमारा क्यों है? होता है यार अपने अपने बात होती है। अगर आप जयपुर पढ़ने के लिए आए हैं, कोई अगर मुझे मेरे गंगानगर का मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है। अच्छा चलो ठीक है यार, यार दोस्त हो जाती है। गंगानगर से कितने लोग? कटू, सूरतगढ़, हे भाई जी, राजेश्वर नगर, और कौन है? अरे सारे मोबाइल। हाँ जी
सुने दो प्लीज यार. यस येलो टी शर्ट येलो शर्ट प्रॉपर गंगानगर गढ़साना. गढ़साना किसे कहूं भाई जी? प्रॉपर गढ़साना. ओके और कहां से हो? सॉरी सीकर. गंगानगर की बात कर रहा हूं. और ओके चलो जी, मतलब सब जगह से लोग. हाँ जी खड़ो, कहां से हो आप? गंगानगर में कहां से? नेपाल से हो? नेपाल में कहां से? काठमांडू. वाह यार, लो वैरायटीज तो खूब सारी है यहाँ पे. चलो जी जोरदार तालियों के साथ शुरू करते हैं हमारे आज की ऑडिशन राउंड को. एंड पहले कंटेस्टेंट हमारे साथ यहाँ पर कौन आने वाले हैं प्लीज आ जाएं. बस कौन आ? क्या नाम है? कविता. कौन सा ईयर आपका? सेकेंड ईयर. क्या है इसमें? ओके अच्छा चलो मुझे आप ऐसे कोई बताएगा, ये जो डांस फॉर्म करने वाले हैं राजस्थानी का, जो इनका आउटफिट है जो इन्होंने ऊपर मटकी रखी हुई है, इसको हम राजस्थानी में चरी भी कहते हैं. राइट चरी भी कहते हैं. कोई डांस फॉर्म का नाम बताएगा मुझे आप में से? सॉरी घूमर. घूमर में, घूमर में कभी भी सर पे मटके नहीं रखे जाते हैं. या कोई नहीं. चलो जी आपकी जोरदार तालियों के साथ म्यूजिक रेडी. कविता के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए. कौन? चरी रखे उसमें आग जला के, इसके पीछे की भी कहानी अलग है. पुराने जमाने में जब घरों में खुशियों का सेलिब्रेशन किया जाता था राजा महाराजाओं के घरों में, तो डांस करने वाली जो नृत्यांगना होती थी वो अपने सर के ऊपर चरी रख के उसमें आग जला के और खुशियों का इजहार करते थे. चलिए थैंक यू सो मच. एंड नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज हमारे साथ आ जाए जल्दी से. हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट है अक्षिता फ्रॉम एमसीए 5th सेम. अक्षिता प्लीज जल्दी आ जाए प्लीज. और जितने भी लोग मोबाइल से अपना गाना करती है. जो व्हाट्सएप ये करता है, लोकेशन चेक करता है,
डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग करता है ये डंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग. थैंक यू. ये जितने भी लोग हमारे साथ ऑडिशन के आ रहे हैं, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा क्लिपिंग्स है, थ्रू द वीडियो हमारे पास जाने वाली है, नाम आपकी कॉलेज की तरफ से सजेस्ट होने वाले हैं. एंड डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कम से कम आठ मेंबर्स चाहिए, कम से कम, एंड मैक्सिमम 20, यानी कि 8 और 20 के बीच के मेंबर्स होने चाहिए. गाना आपका 4 मिनट का अगर होता है, 5 मिनट का अगर होता है, तो उसमें आप 2 से 2.5 मिनट का गाना राजस्थानी रखेंगे और इसके बाद में मिक्स कर सकते हैं, आप बॉलीवुड मिक्स कर सकते हैं, लेकिन डांस फॉर्म की जो थीम है वो राजस्थानी होनी चाहिए. आप में से जितने भी लोग हैं वो भी प्लीज ध्यान रखिएगा. एंड टीचर्स, आपको भी मैं बता देता हूँ, इस डांस कॉम्पिटिशन में आप जो गाना परफॉर्म करने वाले हैं उस गाने की थीम राजस्थानी होनी चाहिए. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वन प्लीज. नेक्स्ट वी हैव ओके, गाना आपका राजस्थानी गाना प्ले किया जाए प्लीज भाई. हो कॉम्पिटिशन के लोगों को इनवाइट करने के लिए गए हैं, उनमें से अभी तक जितनी भी परफॉर्मेंसेस हम लोगों ने एंजॉय की है, क्योंकि हम लोग राजस्थानी कल्चर को, राजस्थानी संगीत को, राजस्थानी सिनेमा को, राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए आप लोगों के साथ में है. अभी तक की जितनी भी परफॉर्मेंसेस है एंड उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि 14th of September को जिस दिन ये इंटर कॉलेज फेस्टिवल कॉम्पिटिशन होगा, उस दिन विनर का नाम मुझे अनाउंस करना पड़ेगा और वो CITM का ही होगा. अभी तक के हिसाब से क्योंकि तारीफें हमेशा यहां से होती है, यहां से सिर्फ पुष्टि निभाई जाती है. सो ये आप दुआ कीजिए, विश कीजिए कि आपके कॉलेज के जितने भी लोग यहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए आने वाले हैं, उस दिन मुझे ये मौका मिले कि मैं विनर का नाम आपके कॉलेज की तरफ से अनाउंस करूं. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वन प्लीज. नेक्स्ट वन आ जाए प्लीज. You know she likes the drama, yeah she a sexy mama. And when she dance, everybody go go. You know she likes the drama, yeah she a sexy mama. And when she dance, everybody go go. Haan, dekho to bholi kitni utni par teri cheez hai. छोरी बड़ी
Thank you. Thank you so much. Thank you.
ऐसे वाला करके फिर से बताना बिना म्यूजिक के यहां से शुरू करते हैं। यस लेट्स गो। ऐसे वाला नहीं, वो जो और कुछ किया था। यस दिस लाइक इट। थैंक यू। ओके हम करने वाले इन सबको कोरियोग्राफ कौन करेगा नहीं पता, मुझे पता है बॉलीवुड वाला पार्ट आप ही करोगे। गुड, थैंक यू। नेक्स्ट वन प्लीज। पुलकित आ जाए प्लीज, यहाँ आ जाओ। पुलकित फर्स्ट ईयर आपका, फर्स्ट ईयर है? गाना चेंज हो गया, कौन सा? बॉलीवुड और राजस्थानी? बॉलीवुड था, किसी भी गाने पे कर सकते हो। सिर्फ मूव्स देखे जा रहे हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है। ऑडिशन राउंड में होता क्या? और जिस दिन 14th ऑफ सितंबर को आप परफॉर्म करें उस दिन पूरी तैयारी के साथ में आइएगा विद प्रॉप्स। ओके म्यूजिक प्लीज। शर्माते हैं गाड़ी के बोनट पे, पीते हैं खाते हैं, वो बादशाह है दिल के। शर्माते हैं गाड़ी के बोनट पे, पीते हैं खाते हैं। फितरत अपनी अटपटी, ऊपर से जींस भी फटी, और खोल के रखते अपनी शर्ट के बटन। उंगलियां क्या नाचेंगी रे, डांसिंग फ्लोर का फेस्टिवल 5th एडिशन इन एसोसिएशन विद ईटीवी राजस्थान तेलंगाना टूरिज्म पुदुचेरी टूरिज्म डिजिटल पार्टनर इस मेकर्स एंड इवेंट ऑन एंड मैनेज्ड बाय के सीरीज और ये है हमारे साथ सीआरटी।
ब्यूटीफुल कर गई छूर देख तेरा रंग सांवला हुआ बावला लड़की नहीं है तुम्हें गरम मामला फूल तरंद मैं कहूँ कामला चुगदा नहीं जाए चंच दिल्ली ले अलंदन टकमक जजर भी न अंदन गलगाने आई हवन बन बोड़ी चल गई धाने अगर रिप लेती एक घूम रहती अगर रिप लेती तो मेरे की पैशन बिगाती फुल अगर लड़की ब्यूटीफुल कर गई छूल Thank you. तेरी मलू गुलाल रंग बता बुलू या लाल एयर में तेरे उड़ते बाल आजा रंग दो दोनों गाल अरे सारा रा रा अरे सारा रा रा अरे सारा रा रा अभी रा सारा रा रा सेकेंड प्राइज 11,000 रुपए का कैश प्राइज और सबसे बड़ी और अहम बात फर्स्ट और सेकेंड आने वाले ग्रुप्स को एक मौका मिलेगा 16th of September 2017 टैगोर पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में होने वाले राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के मेन स्टेज पर परफॉर्म करने का ये तीन अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास और जितने भी बीच में से कमेंट्स आ रहे हैं पर्सनली सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आपकी तरह जब हम भी ऑडिटोरियम में बैठा करते थे तो क्लास में भी सबसे पीछे बैठते थे ऑडिटोरियम में भी सबसे पीछे बैठते थे लेकिन जो इस जगह पर खड़ा है इंसान उसके पास आंखें सिर्फ दो हैं लेकिन दिखाई सभी दे रहे हैं कान सिर्फ दो हैं लेकिन सुनाई सबकी बातें दे रही है ना तो जो भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं वो सिरोधार्य हैं हम एक्सेप्ट करते हैं आपके कमेंट्स को ओके जी थैंक यू सो मच नेक्स्ट वन प्लीज मुन्नी तेरी आई पे झलक झलक लगे मुन्नी तेरा ब्रेसलेट चमक चमक सजे मुन्नी तेरा ब्रेसलेट चमक चमक सजे बालकनी पे तेरे आग जड़ा के नाच छोरे द्वारे रे बहन और भाइयों बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये 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 सलाम दे जाता हूँ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन सारा जहां है
fantastic. और बाकी का बचा के wish you all the best. Wish you all the best. Good luck. Next one, please. Yeah, next we have Garima from BTech first year. Garima. बॉलीवुड राजस्थानी बॉलीवुड प्लीज यू नो शी लाइक द ड्रामा यस शी इज सेक्सी मामा एंड व्हेन शी डांस एवरीबॉडी गो You know she like the drama, yeah she a sexy mama And when she dance everybody go परफॉर्म तो कर रहे हो आप लोग लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सर का
कि उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज हमारे स्टूडेंट्स शान से अपनी कैपेबिलिटीज, अपने स्किल और अपने कल्चर, अपना डांस इनका शोकेस कर पा रहे हैं. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच सर. एंड लेट्स अगेन कंटिन्यू विद द इवेंट. थैंक यू सो मच. ओवर टू कबीर जी. थैंक यू. हम लोग यहाँ पर आप लोगों से बात कर ही चुके हैं, सर से भी मैं बात करना चाहूँगा. हम लोग राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के बिहाफ पर हैं यहाँ पर सर, एंड फिफ्थ एडिशन को एंजॉय करेंगे. इस बार बहुत सारे आर्टिस्ट राजस्थानी फिल्मी दुनिया की बहुत सारी मूवीज को अवार्ड्स मिलने वाले हैं. एंड लेकिन उससे पहले 14th of September को इंटर कॉलेज इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन होने वाला है, जो 14th of September को यहीं पर होगा, इसी स्टेज पर होगा. एंड अभी ऑडिशन राउंड चल रहे हैं सर. सो थैंक यू सो मच for giving us a chance to come here. आपके कॉलेज में आने का तीसरा, मेरे लिए तो तीसरा मौका है, हमारी टीम के लिए भी तीसरा मौका है, एंड कुछ लोग हैं जिनके लिए पहला मौका है. सो इसी ऑडिटोरियम में दूसरी बार आया हूँ मैं. एंड लेकिन जो पहली बार आए थे तो जस्ट पीछे की साइड में बाहर हम लोगों ने चीज बना था और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. अच्छा, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल मेन्स जो प्रोग्राम होगा 16th of September को, उसमें आप लोगों में से कितने लोग आना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली बात है, सभी लोग आओगे क्योंकि इस कंपटीशन के विनर आपके कॉलेज के रहेंगे. उनको विनर अगर बन गए तो उनको चांस मिलेगा 16th of September के राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के मेन स्टेज पर मौके आने का, और उनको अप्रिशिएट करने के लिए आप लोगों को तो आना ही पड़ेगा. उससे 21,000 रुपए को आप कैसे बांटोगे ये मुझे नहीं पता. वो आपका हेडेक है. 21,000 रुपए आपको कैसे बांटने, वो अपने हिसाब से आप बांट लेना, या फिर मिलजुल के सभी लोग एक साथ पार्टी कर लेना यार, बांट के भी क्या करोगे. ओके, म्यूजिक प्लीज. Yes, so we have Kanika from BTEC. You know she like the drama. Yeah, she is sexy mama. And when she dance, everybody go. You know she like the drama. Yeah, she is sexy mama. And when she dance, everybody go. Thank you. इंटर कॉलेज फेस्टिवल्स जितने भी होते हैं हमारे जयपुर में, इंटर स्टेट डांस कंपटीशन भी होते हैं. महारानी कॉलेज का नाम तो आपने सभी सुना होगा है ना, और बहुत सारे लोग उस रास्ते से गुजरे भी होंगे. उनके कॉलेज की तरफ से जितने भी फेस्टिवल्स हमारे राजस्थान में होते हैं उनमें वो मोस्टली सब में विनर रहते हैं, एंड सेकेंड डे न्यूज पेपर के अंदर फ्रंट पेज पे उन्हीं का फोटो आता है. रीजन इसका कारण है क्योंकि उनकी डांस की जो फॉर्म होती है वो राजस्थानी होती है, और राजस्थान के कल्चर और राजस्थान के जो आउटफिट्स होते हैं, कपड़े होते हैं,
ये शेखावाटी वाले जितने भी बैठे हैं ये लोग अच्छे से जानते हैं कि इनके शेखावाटी में चूरू सीकर झुंझुनू में जो आउटफिट्स होते हैं कुछ डिफरेंट है। सॉरी क्या बोल रहे हैं? अकेला अकेले जने बोलिए प्लीज, खड़े होके बोलिए क्या बोल रहे हैं? बोलो ना। और शेखावाटी में भी चूरू सीकर और झुंझुनू, झुंझुनू का जो आउटफिट है थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हरियाणा टच करता है, सीकर का थोड़ा डिफरेंट है शेखावाटी में क्योंकि जयपुर टच करता है, और उधर चले जाओ आप चूरू साइड में उसमें बीकानेर और गंगानगर टच आ जाता है। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ शेखावाटी वालों क्योंकि कल्चर डिफरेंट है, बहुत सारी विभिन्नता है, जैसे कहते हैं ना कि हमारे देश में अनेकता होते हुए भी बहुत विभिन्नताएं होते हुए भी एकता है, वैसे ही राजस्थान के कल्चर में चूरू सीकर झुंझुनू के अलावा नागौर साइड में चले जाइए, पाली जोधपुर इधर चले जाइए, डिफरेंट है, बिल्कुल पहनावा डिफरेंट है। और भी ज्यादा अगर आपको विभिन्नता देखनी है तो चले जाइए चित्तौड़, नागौर, चित्तौड़ और उदयपुर, और उसके भी बाद में फिर आगे चले जाइए डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बहुत सारी चीजें डिफरेंट है। सो 13 ताली भी एक डांस फॉर्म है राजस्थान की। जी प्लीज मुझे बताना चाहते हैं जी सर, वो रामदेव जी के भजन के अंदर गाया जाता है 13 ताली, जो मंजीर है जो डांस करते हैं मंजीरे के साथ उनके साथ उनका डांस। नाम क्या आपका? विकास कुमार। विकास कहाँ से हैं आप? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, पढ़ा है। अरे वाह थैंक यू यार, यार ये गिफ्ट लेकर आया है मुझे, इधर आ जाइए प्लीज आप, इधर आओ विकास, ये आपके लिए है बेगा जी की तरफ से, अब सामने तो जाना मत, नहीं तो इधर चले जाओ, जगह खाली पड़ी है, आराम से जिम के लिए चले जाओ। एग्जैक्टली 13 ताली डांस बाबा रामदेव की श्रद्धा में गाया जाने वाला एक भजन है, और उनको मनाने के लिए, बाबा रामदेव जी को मनाने के लिए 13 ताली डांस फॉर्म डांस किया जाता है, कामड़ जिसे हम कहते हैं उनके द्वारा, और उसमें मंजीरे होते हैं 13 जो यहां पे सिर पे हाथों पे यहां पे एंड पांव पे बंधे होते हैं, एंड ड्यूरिंग द डांस वो लोग उन मंजीरों को परफॉर्म भी करते हैं, बजाते भी हैं और डांस भी करते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए जी नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाते हैं ऑन स्टेज। नेक्स्ट हमारा कौन है? नेक्स्ट वी हैव प्रियल एंड नेहा। प्रियल एंड नेहा आपका गाना फ्रॉम एमसीए 5th सेम बॉलीवुड और राजस्थानी, राजस्थानी। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। मैंने सिर्फ एमसीए की फुल फॉर्म पूछी है हिंदी में, हिंदी में क्या होती है? कंप्यूटर का, कंप्यूटर का मास्टर। नहीं कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं और मास्टर को भी हिंदी में क्या कहते हैं? क्या किसी के पास? चलिए बैठिए प्लीज, थैंक यू। यस लिसन लिसन लिसन
अरे सुन तो दो। हाँ जी मास्टर को शिक्षक कहते हैं, जो टीचर हमें पढ़ाते हैं 12वीं क्लास तक तो होते हैं मास्टर जी, 12वीं के बाद में चले जाएं तो सर हो जाते हैं, और थोड़े ऊपर चले जाएं एमबीए वगैरह वगैरह जो बड़ी बड़ी डिग्रियां होती है उनमें प्रोफेसर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे कॉलेज में शायद हम टीचर्स को मास्टर जी तो नहीं कहते, अरे कंप्यूटर वाला मास्टर जी आगा ऐसे तो नहीं बोलते, प्रोफेसर बोलते हैं ना, प्रोफेसर साहब बोलते हैं। तो फिर सर आप कंप्यूटर पढ़ते हैं सर? सॉरी आप सर पढ़ाई करते हैं पढ़ाते हैं? चलो सोचो म्यूजिक प्लीज इनके लिए चलो। आपका गाना बॉलीवुड और राजस्थानी? बॉलीवुड। मुन्ना मुन्ना माइक लाना मेरा, तीन बत्ती में किसी से भी पूछेगा ना तो हाथ पकड़ के घर पे छोड़ेगा। Thank you. Yeah, next we have Gaurav Jain from ऊपर से जींस भी फटी और खोल के रखते अपनी शर्ट के बटन, बुढ़िया क्या नाचेंगी रे डांसिंग फ्लोर के चिन्ह हम इलाके लटको झटको से हीरो के हीरो, बुढ़िया क्या नाचेंगी रे डांसिंग फ्लोर के चिन्ह हम इलाके लटको झटको से हीरो के हीरो। Thank you.
राजस्थानी बॉलीवुड, तो ये बाहें क्यों चढ़ा रहे हो? खैर तो है बेटी, पता नहीं भाई बाहें चढ़ाने का मतलब कुछ और ही होता है। म्यूजिक प्लीज। ये ऑडिशन राउंड का सबसे स्पेशल ऑडिशन राउंड का सबसे स्पेशल मेरा फेवरेट और इन सबका चाहने वालों का सबसे फेवरेट। सो प्लीज दो कैमरा सामने हैं, एक भी मूवमेंट एक भी पोस्चर मिस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सैलरी काट ली जाएगी तुम दोनों की। ओके म्यूजिक। Yeah.
आपकी डांस फॉर्म के लिए प्लीज एक बार तालियां। मेरे एरोबिक्स इंस्ट्रक्टर जब मुझे सुबह एरोबिक्स करवाते हैं तो उस वक्त मेरे एब्स वाले पार्ट में कभी दर्द नहीं हुआ, मस्कुल कभी मसल्स खींची नहीं है। ये वीडियो मैंने स्पेशली इसीलिए बनवाया है कि कल से एरोबिक्स जाना बंद, मॉर्निंग में उठते ग्रीन टी लूंगा और इनका वीडियो देखूंगा। बाय। और जाएंगे नहीं आप प्लीज, आ जाओ जी इनसे अभी और बात कर रहे हैं, मुझे लास्ट कंटेस्टेंट प्लीज आ जाएं। कुछ स्टूडेंट्स वहां से भी आ गए हैं ऑन स्पॉट ऑडिशन देने के लिए, तो okay. मैं माफी चाहूंगी, ये लास्ट कंडीशन, इनको कोई टक्कर देने वाला है सामने से? कोई नहीं है। लोकेश प्लीज आप यहाँ आए, मैं आपको एस्कॉर्ट करके लेके चलता हूँ, तीन कुर्सियां खाली है, किसी भी बैठ जाओ, यहाँ सामने बैठना है एक बार। क्या थोड़ी देर तो हमें अपने पास में भी रखने दो यार। Okay, music please. So we have the second last contestant, Sonali from BCom first year. सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आप लोगों के साथ में वो अभी शेयर करना बाकी है, सो प्लीज कहीं मत जाइएगा, बैठ जाइए। 20 से भी ज्यादा हो गए। हाँ जी लोकेश की एक सिंगल परफॉर्मेंस और बाकी सबके मिला के, लोकेश का तो कोई मुकाबला नहीं है, he's a unbeatable guy। इनका ना कोई मुकाबला कर सकता है ना इनके पास तक कोई पहुंच सकता है, ये तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं, कोई नहीं। लोकेश कहां है भाई? चेहरे पे मुस्कुराहट, फेसेस, आंखें इनकी क्या कहती है वो पता नहीं चलता, इसके चश्मा पर लगाया करो डांस के दौरान। प्लीज आप वहां आ जाओ, उधर उधर वहां पे, थैंक यू। और एक थोड़ा सा छोटा सा राउंड बना लीजिए एक दूसरे का हाथ पकड़ के, ताकि सभी लोगों की फोटोज आ जाए ऑन स्टेज। लड़के कृपया ध्यान दें लड़कियों का हाथ ना पकड़े। आ जाओ गर्ल्स, आगे आ जाओ, यहाँ तक आ जाइए प्लीज, यहाँ तक बना सकते हैं, यहाँ तक थोड़ा इधर आ जाओ, और आप लड़के लोग थोड़ा उधर हो जाओ, थोड़ा उधर सर्कल बना लीजिए, एक कर्व बना लीजिए प्लीज इधर। ओके मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, सोनाला सर से कि हमारे साथ स्टेज पर आए प्लीज। वेल गाइस, बीकाजी प्रेजेंट्स ओसवाल सोप ग्रुप राजस्थान फिल्म फेस्टिवल फिफ्थ एडिशन इन एसोसिएशन विद ईटीपी राजस्थान तेलंगाना टूरिज्म पुदुचेरी टूरिज्म डिजिटल पार्ट द इस मेकर्स इवेंट ऑन एंड मैनेज्ड बाय के सीरीज। सो थैंक यू सो मच सर हमें यहां पर आने का मौका देने के लिए, एंड ये है हमारे वो लोग जिन्होंने ऑडिशन में पार्टिसिपेट किया है, और अभी तक हमें
इतनी काउंटिंग में, इतनी संख्या में ऑडिशन राउंड में लोग नहीं मिले हैं, पहली चीज। दूसरी बात, जितने सामने आप स्टूडेंट्स बैठे हैं अभी तक हमें नहीं मिले, क्योंकि आते हैं लोग, वही लोग आते हैं जिनको पार्टिसिपेट करना है, इसके अलावा बाकी एक दो लोग आ जाते थे साथ में, बट ऐसा रेस्पॉन्स सिर्फ हमें यही मिला है। सो थैंक यू सो मच कॉम्पिकॉन। एंड ये इनमें से 20 लोग ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अब वो 20 कौन होंगे जो बेहतर होंगे? ओके, लीड तो लोकेश ही करेगा, ये डिसाइड करेंगे ऑडिशन के रिजल्ट्स, प्लस आपके टीचर्स जो लोग चाहते हैं कि ये बच्चे ऑन स्टेज आए। सर, मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा, 14th ऑफ सितंबर को इंटर कॉलेज इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन आपके यहीं पर होने वाला है, हम लोग यहीं आने वाले हैं राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की टीम के साथ, जैसा कि आपको मालूम है, सर को मालूम है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के लिए और हमारे इस कॉम्पिटिशन के लिए मैं चाहूंगा आपसे कि आप इनके लिए एंड हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहें प्लीज। थैंक यू कबीर जी, ऐसा मैं देख रहा हूँ खूबी एंजॉय कर रहे हैं, and it's really nice to see so many talented people within CompuCom. मैं खुद भी बहुत surprised हूँ, so many of them are there. और I'm sure और भी काफी होंगे जो शायद किसी कारण से participate नहीं कर पाए. I'm very happy, संजना जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने हमारे कॉलेज को भी चुना one of the participation place के लिए. And I'm sure it will be all very happening night on 14th as well. It will be in the evening or in the कब है? के लिए भी, we are all ready. Thank you, sir. And teachers, जो लोग coordinate कर रहे थे, please आप ही आ जाएं. And faculty members जितने भी हैं, सभी से request करूंगा कि वहां से चीज पर आ जाएं. Thank you so much. And ये teachers और जितने भी participants हैं, उम्मीद करूंगा कि सर, मैंने तो पहले इनको कह दिया था कि इतने talented बच्चे मैंने तो किसी और जगह पे देखे नहीं. And group में अगर आप perform करते हैं, गाना आपका राजस्थानी एंड बॉलीवुड दोनों हो सकता है, लेकिन थीम जो है वो आपकी राजस्थानी होनी चाहिए. एंड उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर खड़े हुए जब मुझे विनर का नाम अनाउंस करने का मौका मिले, एंड द विनर इज, यही होना चाहिए. और विनर के अलावा, विनर को जो प्राइज मिलने वाला है वो है 21,000 का कैश प्राइज. सेकेंड पोजिशन पर जो रहेंगे उनके लिए 11,000 रुपए, और एक चांस उन दोनों के लिए और है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 16th ऑफ सितंबर को जो फिल्म फेस्टिवल होने वाला है, उसमें उन 20 और 20 यानी कि जितने भी दोनों ग्रुप्स में बच्चे होंगे उनकी एक परफॉर्मेंस तैयार करवाई जाएगी और मेन स्टेज पर उनको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा. सो थैंक यू सो मच. एंड जाते जाते इन लोगों के साथ में तुम्हारे फोटोज हो गए हैं, आप लोगों के साथ में भी हम लेना चाहेंगे. सो कैसे लेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ. जितने भी हमारे ऑडिशंस के कंटेस्टेंट हैं वो प्लीज आप नीचे यहाँ पर आगे की लाइन में आ जाएं. एंड सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग भी यहाँ चलें, आप सभी लोग अपने अपने जगहों पर खड़े हो जाएंगे. प्लीज वापस आ जाएं, तीनों आप ही हैं, तीनों आप ही हैं. हम ये उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं, पहले कह दिया था इतने टैलेंटेड बच्चे हमने जितने भी स्कूल से कॉलेजेस में गए हैं अभी तक हम लोगों ने देखे नहीं, और अभी जाना बाकी है. सो हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर वहां पे मिल जाए, लेकिन अभी तक तो आप आ जाए जी, वहां से वन पेपर प्लीज दे दीजिए. और ये पेपर्स हमारे बीका जी की तरफ से है, बीका जी हमारे मेन प्रेजेंटर हैं. तो भाई राजस्थानी में कहावत है, चिकी खाओ बाजरी देगी बजाओ. तो बीका जी हमारे मेन प्रेजेंटर हैं, फोटो पे कम से कम उनके बीका जी भी दिखने चाहिए, है ना? अदरवाइज वो कहेंगे यार हम खिलाए जा रहे खिलाए जा रहे हैं. और मयूर फोटो तू ले. एंड प्लीज अपने हाथ थोड़े हवा में रखिएगा. लेट्स गो 3 2 1 बीका जी प्रेजेंट्स उस पर सुप ग्रुप प्लस वन फिल्म फेस्टिवल कंपटीशन
in association with EGP Rajasthan, Telangana Tourism, Puducherry Tourism, list partner, East Makers, and event owned and managed by ECDs. And wish you all the very best for all the contestants. Thank you so much. Thank you so much, Maharaj. Thank you. Thank you. Thank you. Bikaji Projects also group Rajasthan Film Festival 5th edition in association with ETV Rajasthan, Puducherry Tourism, Telangana Tourism, Digital Partner, East Acres, event owned and managed by K-Series. And you can subscribe YouTube on subscribe kar sakte hain, YouTube/K-Series1000. Facebook par aap hume like kar sakte hain, Rajasthan Film Festival Awards ke naam se. Instagram par kya kar sakte hain? इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप हमें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल एंड ये है हमारे साथ कॉपीकॉम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स जिनके साथ में आज का ये राजस्थान फिल्म फेस्टिवल इंटर कॉलेज फेस्टिवल इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन का राउंड हमने यहाँ पे फिनिश किया एंजॉय किया खूब सारा एंड उम्मीद करते हैं कि इसी जगह पर विनर का नाम भी होने वाला है अनाउंस और वो लेकर जाएंगे 21,000 रुपीज सेकेंड प्राइजेस जो है वो है 11,000 का सो थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू एंड प्लीज एक बार जोर से आवाज हो जाए जय जय राजस्थान यस जय जय राजस्थान थैंक यू सो मच थैंक यू